राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही द्रौपदी मुर्मू को सारा देश बधाई दे रहा है। मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर अमृतसर के आर्टिस्ट जगजोत सिंह रुबल ने 7 फीट लंबी पेंटिंग बनाई, जो कि अब आकर्षण का केंद्र है। ये तस्वीर उन्होंने देश की राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए बनाई है। इस पेंटिंग को बनाने में इन्हें करीब 1 हफ्ते का समय लगा। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भी इन्होंने कई बड़ी हस्तियों की सुंदर पेंटिंग बनाई है। सर, मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति भवन के अंदर इस पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाए, तो ये पेंटिंग आज मैं इनको भेजने जा रहा हूँ और मैं बहुत बहुत इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। जो इनकी 5 साल की जो टर्म है वो बहुत ही एक सक्सेसफुल रहे। सर, इसमें एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए गए हैं। इसका जो साइज़ है 5 फीट बाय 7 फीट है और इसको कैनवस पर हमने उतारा है और 1 हफ्ता पहले ही ये पेंटिंग को मैंने बनाना शुरू कर दिया था। इस पेंटिंग को देखकर हर कोई इस कलाकार की तारीफ कर रहा है। इससे पहले भी राष्ट्रपति की बनाई पेंटिंग्स के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से इनकी कला को सराहा गया है। तो वहीं ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की मदद से द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर बनाई। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने देश की राष्ट्रपति को बधाई दी। ओडिशा के ब्रह्मपुर में रहने वाले चित्रकार अरुण साहू ने अपने तरीके से बधाई दी। इन्होंने लकड़ी का चित्र बनाया। आज बहुत खुशी का दिन है हमारा ओडिशा का, हमारा गांव में आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि हमारा ओडिशा का एक आदिवासी महिला है वो आज सर्वोच्च पद पे हमारा देश में बैठे हैं, राष्ट्रपति और देश का पहला नागरिक है वो बने हैं। बहुत आज खुशी लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है उनको आज इतना पद में देख के। और मेरा ये मेरे तरफ से ये छोटा गिफ्ट है, मैं लकड़े में ये बनाया, मुझे बहुत। अरुण साहू की लकड़ी पर ये चित्रकारी बहुत आकर्षक है। अब देखिए ये नई चित्रकारी, बोतल के अंदर इस कलाकार ने द्रौपदी मुर्मू का चित्र बनाया है। इनका नाम है अलीश्वर राव। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू का एक लघु चित्र तैयार कर उन्हें अनोखे तरीके से बधाई दी है। उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद जीत चुकी है और वो शपथ ग्रहण करने की इस खुशी में मैं उनके एक फोटो फ्रेम 750 ml बोतल के अंदर किया हूँ और उसका हाइट है 3.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। इस काम करने के लिए मेरे को 3 दिन समय लगा। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पूरे देश में एक खुशी की लहर है। द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी।
भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होना। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे।